अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन एट योर होम्स। दिस इज़ मी बैरोज़ अहमद खान एंड कंटिन्यूइंग द लेक्चर दैट वी लेफ्ट बिहाइंड इन द पास्ट क्लास, पास्ट लेक्चर, एक्सरसाइज नंबर 6.6 ऑफ चैप्टर नंबर 6, अलजेब्रिक सेंटेंसेज। तो पास्ट लेक्चर अलजेब्रिक सेंटेंसेज के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 6.6 को हाफ किया था, पार्शियल, जिसके अंदर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनाना सीखी थी और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमने बना के उसको छोड़ दिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि हमारे इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमसे कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ये इक्वेशंस हमें दी गई हैं और हमें कहा जा रहा है इन्हें फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करें, फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करते हुए इन्हें सॉल्व करें, ठीक है। तो हमने फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब ये जो इक्वेशंस हमारे सामने मौजूद हैं, जैसा कि आपने पास्ट लेक्चर अटेंड किया था तो उसके अंदर आपके सामने ये दिया गया था कि भाई ये क्वेश्चन जो है, वो आपकी ये इक्वेशन जो है, इन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक स्क्वायर है, एक पावर वन है और एक पावर जीरो है। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल सिंगल होता है और पावर स्क्वायर वन और जीरो डिमिनिशिंग यानी डिक्लाइनिंग पावर होती है, उन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो तीन तरीके हैं। सबसे पहला तो वही है फैक्टराइजेशन, यही जो कि हम आज करने वाले हैं। इसके अलावा एक तरीका आपके पास जो है वो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, और एक तरीका होता है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इंशाल्लाह हम आगे यूज़ करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, अभी हम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे होते हैं ये फैक्टराइजेशन, किस तरह से होगी? देखें, आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ चुके हैं, 5.1 5.3 के अंदर आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग सीखी थी। जब तीन टर्म्स होती हैं तो हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं, ठीक है। वही फैक्ट, वो फैक्टराइजेशन ही थी बेसिकली। तो यहाँ पे भी हम वही तरीका अप्लाई करेंगे, तीन टर्म्स हैं हमारे पास, ठीक है, इनकी हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हुए इन इक्वेशंस को आंसर तक पहुँचाएंगे, ठीक है। अब देखिए, मिडिल टर्म ब्रेकिंग का तरीका ये होता है कि हम थर्ड वन को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट से, तो 6 × 6 आता है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें 6 × 6 आ गया, हमें जो है वो मल्टीप्लाई करके 6 बनाना है और प्लस माइनस करके हमें -5 बनाना है। मल्टीप्लाई करके हमें +6 बनाना है और प्लस माइनस करके हमें -5 बनाना है। इसे किसी ऐसे ग्रुप के अंदर यानी कि किसी ऐसी कोई ऐसी वैल्यूज़ के अंदर ब्रेक करना है हमने कि जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 6 बने और प्लस माइनस करें तो -5 बने, ठीक है। तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके 6 बनता है, 3 × 2 = 6, और 3 और 2 को अगर ऐड करें तो कितना बनेगा, 5। अगर हम 3 और 2 को प्लस करें तो 5 बनेगा, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 6 बनेगा। 5 हमें चाहिए नेगेटिव, तो उसके लिए हमें 3 और 2 दोनों को नेगेटिव लेना पड़ेगा, और 6 तो हमें पॉजिटिव ही चाहिए ना, तो फिर 6 तो ठीक है, -3 - -2 अगर करते हैं तो -+6 रहेगा। तो यहाँ पे हम -3x - 2x + 6 = 0 हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर ली। अब क्या होगा, कॉमन होगा, x कॉमन किया, x - 3 बचा, 2 कॉमन किया, x माइनस कॉमन हुआ है तो बीच वाली साइन भी माइनस हो गई, और 2 × 2 और 2 × 3 = 6 = 0। दो ब्रैकेट्स फॉर्म हो रहे हैं, x - 2 और x - 3, ठीक है, = 0। यहाँ आपका सवाल ख़त्म हो जाता है, ठीक है, जो मिडिल टर्म ब्रेकिंग आपने की। लेकिन यहाँ पे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन हमारा यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, हम इसे आगे लेके चलेंगे। कैसे, अब ये दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों इक्वल टू जीरो हैं, तो हम इनको अलग अलग करके लिखेंगे, x - 3 = 0, और दूसरी बात क्या कि x - 2 भी = 0, दोनों ब्रैकेट बराबर हैं जीरो के। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये 3 माइनस है इक्वल टू के वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 2 माइनस है इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सॉल्यूशन सेट में आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, 3 और 2, ये आपके पास आंसर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन इस तरीके से निकलेगा जो हमने अभी किया, ठीक। एक सवाल और करेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 11। = 13x, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसे हम किस में अरेंज करेंगे, इसे हम अरेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के बाद मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी, ठीक। सबसे पहले 2x² यहीं है, 13x उधर, हमें स्क्वायर के बाद पावर वन चाहिए, तो 13x उधर प्लस में, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस। इसे डायरेक्ट मैंने बीच में लिख दिया है, ठीक है, ऐसे नहीं कि पहले मैं इसको 21 के बाद लिखूं फिर इसको सेंटर में लिखूं, तो मैंने डायरेक्टली 13x को सेंटर में लिखा,
प्लस 21 इक्वल टू जीरो कर दिया। अब क्या होगा, अब आपको मैंने बताया कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 21 मल्टीप्लाई बाय 2 आ रहा है 42, तो हमें मल्टीप्लाई करके 42 चाहिए प्लस का, और इसके अलावा बीच में है 13, तो हमें माइनस 13 चाहिए प्लस माइनस करके, प्लस माइनस करके माइनस 13 चाहिए, मल्टीप्लाई करके 42 चाहिए। कोई ऐसी ब्रेकिंग करनी है आपने कि 42 बन जाए, प्लस माइनस करके 13 बन जाए। 6 मल्टीप्लाई 7 होता है 42, ठीक है, और 6 प्लस 7 होता है 13। प्रॉब्लम ये है कि हमें माइनस 13 चाहिए, तो हमें दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो ये माइनस 13 हो जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 42 हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेते हैं, माइनस का 6x एंड माइनस का 7x प्लस 21 इक्वल टू जीरो। अब क्या होगा, कॉमन करेंगे, यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले आपके पास 2 कॉमन होगा और x कॉमन होगा, अंदर बचेगा x माइनस 3, ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन होगा, 7 कॉमन होगा और अंदर बचेगा x माइनस 3। देखिए माइनस कॉमन होता है तो बीच वाली साइन भी चेंज हो जाती है, और दोनों ब्रैकेट भी सेम होने चाहिए, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही, तो ये भी आपके पास एक ट्रिक है कि भाई दोनों ब्रैकेट्स जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे। अब क्या होगा, 2x, ये x माइनस 3 तो एक ब्रैकेट हो जाता है, और ये 2x माइनस 7 ये एक ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है, और दोनों के बाद इक्वल टू आ जाएगा 0। यहाँ से हम एक मरतबा फिर क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे कि भाई ये भी बराबर है 0 के और ये भी बराबर है 0 के। अब x बराबर आ गया 3 के और यहाँ पे 2x बराबर आ गया 7 के, एक स्टेप और बाकी है, x बराबर आएगा 7 के और ये 2 आ जाके डिवाइड कर जाएगा, ये x तो आ गया 3। सॉल्यूशन सेट क्या बनता है आपके पास, x आया 3 और 7/2, ठीक है, बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम कोई इशू अगर हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आपके पास एक और सवाल हो गया, एक और सवाल करते हैं हम, 13, 2x प्लस 1 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं। इस सवाल में आप देख रहे हैं कि कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फैक्टर्स हैं ये, तो फैक्टर्स को सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा x, एक्स टू एक्स स्क्वायर, फिर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 6x, फिर 1 मल्टीप्लाई x हो जाएगा 1x और 1 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 3। अच्छा, ये तो मल्टीप्लाई करके आ गई 4 वैल्यू, और ये 3 अपनी जगह है इक्वल टू 0 है। अब जो सोल्यूशन हो रहा है उसको कर लें, 2x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 6x और x हो गया 7x, 3 प्लस 3 हो गया 6 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म आपके पास आई है प्लस 7, मल्टीप्लाई करके आता है 6 मल्टीप्लाई टू 12, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 12 आता है और प्लस माइनस करके प्लस 7 आता है। तो आपने इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस 7 बने और मल्टीप्लाई करके 12 बने, ठीक है, तो किस तरह बनता है 12, अगर हम 4 और 3 कर लें तो 4 3 12 होता है और 4 प्लस 3 7 होता है, आई थिंक यही वाला कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक बनाया हमने, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब आप कॉमन कर लें, बिल्कुल सिंपल, 2 कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया, अंदर बचा x प्लस 2, यहाँ से 3 कॉमन हो गया, ठीक है, अंदर बचा x प्लस 3 2 सॉरी x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक ब्रैकेट आता है आपके पास x प्लस 2 और एक ब्रैकेट आता है आपके पास 2x प्लस 3 इक्वल टू हो जाता है 0। अब यहाँ से फिर हम दोनों को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, सही। अब क्या होगा, अब x इक्वल हो जाएगा माइनस 2 के और यहाँ पे 2x इक्वल हो जाएगा माइनस 3 के, ये तो ऑलरेडी आप इस तक पहुँच चुके हैं, ये आपके पास हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2, ठीक हो गया जी। उसके बाद सॉल्यूशन सेट आप बनाएंगे माइनस 2 एंड माइनस 3 अपॉन 2, तो ये आपके पास हो जाता है आंसर, ठीक है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दीज क्वेश्चंस, हमने किए 3 सवाल, ठीक, अब मजीद एक और सवाल, एक दो सवाल और सॉल्व करते हैं, एक सवाल और सॉल्व करेंगे और रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह आप सॉल्व कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15,
इस सवाल में आप देखते हैं कि कुछ फैक्टर्स आपके सामने बने हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इनको फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, ठीक। उसके बाद क्या होगा, स्क्वायर 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 थ्री एक्स स्क्वायर हो जाता है, एक्स टू एक्स और थ्री एक्स सिक्स एक्स हो जाएगा प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी, थ्री थ्री ज़ा नाइन और बीच में है सिक्स, प्लस माइनस करके सिक्स मल्टीप्लाई करके नाइन, ठीक है। तो ये सिंपल ब्रेकिंग इस तरह हो जाएगी, थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स ये सिक्स एक्स हो गया और थ्री थ्री ज़ा नाइन भी बन जाएगा, मल्टीप्लाई करके नाइन बन जाएगा और प्लस करके सिक्स बन जाएगा। अब आप इसमें कॉमन करेंगे तो बहुत ही सिंपल, आपके पास एक्स प्लस वन बचेगा, यहाँ से आप थ्री कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस वन बचेगा, ठीक। अब ब्रैकेट्स आपके पास दो आ जाते हैं, एक्स प्लस वन एंड थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। आपने दोनों ब्रैकेट एक्सट्रैक्ट कर लिए, एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो एंड थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, सही। उसके बाद x इक्वल टू माइनस वन एंड थ्री एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, अगले स्टेप में x इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन थ्री कट के वन रह जाएगा, माइनस का साइन अपनी जगह रह जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस वन सोल्यूशन सेट बन जाएगा, x इज इक्वल टू। अब आप देख रहे हैं दोनों का आंसर माइनस वन आ रहा है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, एक ही दफ़ा माइनस वन लिखेंगे कि x का पॉसिबल आंसर दो नहीं है। लास्ट क्वेश्चंस तक x के दो पॉसिबल आंसर्स थे, यहाँ पे x के दोनों पॉसिबल आंसर्स माइनस वन ही आ रहे हैं, तो हम उसे एक ही दफ़ा लिखेंगे कि x का पॉसिबल आंसर माइनस वन ही है, ठीक है। तो मैंने आपको करवाया है क्वेश्चन नंबर 9, 11 एंड 13 एंड 15, तो आपका होम टास्क होगा क्वेश्चन नंबर 10, 12 एंड 14 एंड 16। तो मैंने आपको करवाया 9, 11, 13 और 15 और आप करेंगे 10, 12, 14 और 16, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 6.7 के साथ। खुदा हाफिज़।